सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम टॉप 5 प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बता रहा हूँ जो अदर स्टेट के उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आप इस कॉलेज में, इन पांचों कॉलेजेस में जा रहे हो एडमिशन लेना, तो आपको लोन को लेकर के, जो गवर्नमेंट द्वारा लोन मिलती है, तो उसको लेकर के दिक्कत नहीं होगी। जो वेस्ट बंगाल के हैं उनको तो दिक्कत नहीं होगी, बट मैं जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए भी मैं बात कर रहा हूँ कि जो मैं पांचों बताने वाला हूँ उसमें आपको लोन को लेकर के दिक्कत नहीं होगी। स्कॉलरशिप वगैरह भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, कॉलेजेस आपको हेल्प करेंगी। अभी मैं बात करता हूँ पहले इसमें एडमिशन प्रोसीजर की। मैं कॉलेज के नाम लूंगा बट इनमें अभी मैं एडमिशन प्रोसीजर की बात कर लेता हूँ। तो देखो, सभी में क्या है, चार तरीके होंगे। पहला WBJEE, उससे लगभग 80% फिल हो जाता है, लगभग 70-80%। 10% जेई मेन्स से, ये फिक्स है, 10% जेई मेन्स से हो रहा होगा, सीट उतना ही दिया जाता है जेई मेन्स को, ठीक है। 10% 10-15 आप मान के चलो कि आप जो है इससे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। और चौथा तरीका क्या होता है कि अगर सीट्स बच जाती हैं लो ब्रांचेज में, ठीक है, या फिर मेजर ब्रांचेज में भी अगर सीट्स बच जाती हैं, तो आप डायरेक्ट कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हो, बोल सकते हो उनको कि मेरा रैंक सर इतना है, तो मेरा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब मैं कॉलेज के नाम बोलता हूँ। सबसे पहले आता है हमारा IIM कोलकाता। कैंपस छोटा है, मेन सॉल्ट लेक में है, मेन सेक्टर 5 में है, कि आपका जो है ये चारों तरफ से जो है कंपनी से घिरा हुआ है, ठीक है, कंपनी से घिरा हुआ है, जैसे IBM हो गया, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, तो ये सब कंपनी से घिरा हुआ है, ठीक है। हाँ, हॉस्टल इसका थोड़ा सा दूर है, हॉस्टल फी भी ज़्यादा है, तो वो मैनेजेबल है, आप मैनेज कर लोगे बाद में, ठीक है। इसमें जो है पैकेज भी काफ़ी अच्छा गया है, मैं इस पे कॉलेज रिव्यू, डिटेल रिव्यू बना चुका हूँ, आप चाहे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट का आई बटन पे दे दूंगा, तो वहाँ पे आप जाकर के चेक कर सकते हो, लेते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा हेरिटेज, तो हेरिटेज पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो हेरिटेज इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं, तो हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये थोड़ा हटके है, मतलब सॉल्ट लेक से थोड़ा हटके है, आपको लगभग मैं बोलूं तो सियालदा से 10 से 11 किलोमीटर दूर है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा दूर है, बट हाँ पैकेज के मामले में बहुत बढ़िया है, कैंपस भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है, काफ़ी बड़ा कैंपस है, 10 एकड़ का इसका लगभग कैंपस एरिया है, ठीक है, काफी ग्रीनरी है, वेल मेंटेन्ड है, आपको एक तरह से NIT का एक फील आएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो आता है कॉलेज, वो आ जाता है हमारा टेक्नो मेन सॉल्ट लेक। टेक्नो मेन सॉल्ट लेक जो है वो, अगर मैं टेक्नो मेन सॉल्ट लेक की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे क्या है, सेम IIM की तरह है कि आपको जो है ये भी मकाउट के अंदर है, IIM भी मकाउट के अंदर है, हेरिटेज भी मकाउट के अंदर है, ठीक है, टेक्नो भी मकाउट के अंदर, तो मकाउट के जो भी बुक्स वगैरह होंगे उसको फॉलो, एग्जामिनेशन डेट वगैरह होंगे उसको फॉलो कर रहा होगा, ठीक है, जो भी रूल रेगुलेशन होगा मकाउट को फॉलो कर रहा होगा, उससे फायदा भी होता है, फायदा ही है एक तरह से, प्लेसमेंट के टाइम आपको बेहतर प्लेसमेंट का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, अच्छा खासा आप कंपनी समझती हैं, ठीक है, बहुत कुछ समझती है, तो ये बात है, ठीक है। कॉलेज में जाने तक आपको पता चलेगा, मैं ज़्यादा डिस्कस करूंगा तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करा, आप ये मान के चलो कि हाँ प्लेसमेंट में एक पॉजिटिव वाइब आता है इससे, ठीक है, ये बात है, ओके। अभी हो गया ये चीज़, ये भी क्या है, इसमें जो है आपको हॉस्टल नहीं मिल रहा होगा, बट हाँ आप बोलोगे तो सर लोग प्रोवाइड कर देंगे, जो मैनेजमेंट टीम होंगी वो प्रोवाइड कर देंगी, लगभग 7,500 तक आपको लग रहा होगा। अभी चौथे कॉलेज की अगर मैं बात करूं, तो वो आ जाता है हमारा हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पे भी मैं वीडियो बना चुका हूं, उस पर भी आप जाकर विजिट कर सकते। तो हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो हल्दिया में स्थित है, ठीक है, हल्दिया में स्थित है, और थोड़ा सा इसमें क्या है, लोकेशन वगैरह काफ़ी अच्छा है, कंपेयर करें फी से तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा होगा, एक जो होता है सेटिस्फेक्शन, एक होता है कि स्टूडेंट लाइफ जीना, तो वो आपको हल्दिया में फील आ रहा होगा, साथ ही साथ प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। मैं पांचवें कॉलेज और पांचवा और दो कॉलेज मेरे पास है, पांचवा और छठा, ठीक है, इसमें मैं कई बार ये एक दूसरे से आगे हो जाते हैं, आगे पीछे होता रहता है, क्योंकि पिछले बार नेताजी आगे निकल गया था सेंट थॉमस के कंपेयर में, ठीक है, तो आप दोनों में से, बट मैं अभी रिसेंट टाइम में क्या है, नेताजी थोड़ा आगे निकल गया है, ठीक है, वो भी टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंदर आ जाता है, ठीक है, तो उसमें भी आपको लोन फैसिलिटी मिल रहा होगा, ठीक है, दिक्कत नहीं, मैं पहले ही बोल दिया था लोन फैसिलिटी आपको सब में मिल रहा, तो इन दोनों में से आप किसी को भी चूज कर सकते हो। तो नेताजी सुभाष क्या है, वो भी एक अच्छा कॉलेज हो जाता है, और सेंट थॉमस में आपको स्ट्रिक्ट रूल, मतलब आप समझ लो कि IIM से भी स्ट्रिक्ट रूल आपको यहाँ पे मिलेगा, आप गर्ल्स बॉयज जो है हाथ पकड़ के भी नहीं चल सकते हो, इतना ज़्यादा आपको स्ट्रिक्ट रूल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये चीज़ है बेसिकली, ये एक थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव पॉइंट होगा, ठीक है।
अभी मैं सब में कॉन्स के ऊपर बात कर लेता, सभी कॉलेजेस में एक साथ कॉन्स के ऊपर बात कर लेता हूँ कि अगर अगर आप सोच रहे हो कि हमें जो है एक मतलब लो ब्रांच में हमें कौन सा कॉलेज प्रीफर करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि लो ब्रांच में जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल हो गया, तो इनमें से किसी में भी जाना एक बेहतर ऑप्शन नहीं होगा। बट हाँ, आईएम हेरिटेज में आप देख सकते हो, बट फिर भी मैं बोलूँगा उतना ज़्यादा नहीं है आपको। एट द एंड फिर जो है जाके कॉलेज में कोडिंग के ऊपर ही फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्लेसमेंट कंपनीज भी आप देखोगे ना ज़्यादा नहीं आ रही हैं, तो फिर मूव तो कर ही जाओगे आप, क्योंकि आपके फ्रेंड लोग मूव करेंगे, आपको भी जैसा आपके सराउंडिंग होगा वैसा होगा, ठीक है। हाँ, इन सब में अगर आपको किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए एडमिशन से रिलेटेड, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। किसी भी तरह से छोटा छोटा क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हो, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी मैं डाल दूंगा, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।